सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूं आपके लिए और धमाकेदार वीडियो लेके। आई नो गाइस, यार वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, बट जो मैं इस वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ज्यादा ही धमाकेदार चीज लेके आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्या कर रहे हो यार तुम अभी तक। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोन में एडोन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो फिलहाल तो मेरा डाउनलोड है, चलो फटाफट से एडोन ऐप को खोल लेते हैं। और एडोन ऐप को खोलने के बाद जैसे ही आप आओगे ऐप के अंदर, तो आप मिलोगे होम पेज में। आपको जाना है सर्च पेज में और यहाँ पे सर्च करना है स्पेड सिल्वर वेपन। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ पैक्स आ जाएंगे। तो उसमें से जो पैक्स मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ उसी को चूज़ करना है और उसी को डाउनलोड करके आपको एक्टिवेट करना है। तो चलो फटाफट से सर्च कर लेता हूँ मैं। और ये सर्च किया तो गाइस, जैसे ये फॉर्मेट ऑन हो जाएगा तो जो आपको सबसे ऊपर पहले नंबर पे पैक दिख रहा है इसको आपको डायरेक्ट ऑन कर लेना है। और ऑन करते ही जैसे ये ऑरेंज टाइप में जो लाइन आ रही है इससे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो फटाफट से ये डाउनलोड भी हो जाएगा। और यहीं से आपको इसको क्लिक करके सीधा माइनक्राफ्ट में ओपन करना है। तो चलो फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब मेरा माइनक्राफ्ट ऑन हो रहा है, तो चलो फटाफट से मैं इसको आपको एक्टिवेट भी करके दिखाऊंगा, पूरा एकदम फुल ट्यूटोरियल है ये। तो चलो अब फटाफट चलते हैं वर्ल्ड को क्रिएट करने हैं। तो अब वर्ल्ड को क्रिएट करना है तो फटाफट से पहले मैं नाम डाल देता हूँ एक भी, कोई सा भी रैंडमली, और लिख दिया। चलो अब चलते हैं हम नीचे एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे आने के बाद हमें करना है हॉलीडे क्रिएचर फीचर को ऑन। इसे ऑन करने के बाद हमें जाना है सीधे रिसोर्सेज पैक में, और यहाँ जाने के बाद पैक को एक्टिवेट कर देना है। और जैसे ही पैक को एक्टिवेट कर दोगे तो आपको एक बार जाना है बिहेवियर पैक में और चेक कर लेना है कि यहाँ पे भी ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो अब चलो एक्टिवेट यहाँ पे भी हो गया, तो मैं चल के फटाफट से वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। चलो वर्ल्ड क्रिएट हो गया है, अब मैं फटाफट जाता हूँ इन्वेंट्री में और सोर्स को निकाल के लाता हूँ। वैसे 5 सोर्स है और 500 एपिक सोर्ड है, तो फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ और इनको यूज़ करके दिखाऊंगा। और इनकी एबिलिटी भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। तो ये सारी सोर्ड इस टाइप से हाथ में दिखाई देती है। तो जो नंबर 1 पे आती है उसका नाम है एंडर कटाना, और इसको यूज़ करते ही आप कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो जहाँ पे आपका एरो होगा। और सेकंड नंबर पे जो वेपन आता है उसका नाम है पपर फिश कैनन। तो इसको जैसे आप यूज़ करोगे तो ये एक पपर फिश को शूट करेगी, जिससे सामने वाले को है ना पॉइजन का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई दिख तो नहीं रहा है एनिमल, मैं उस पर यूज़ करके दिखाता। ये सामने यहाँ पर पी ये रहे ना, इस पर मारता हूँ, इस पिक पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अब मैं इसको यूज़ किया, इसको देखो पॉइजन का इफेक्ट मिल गया और ये ऑटोमेटिक अब किल भी हो जाएगा। तो जो तीसरे नंबर पर आता है उसका नाम है ड्रैगन साइथ। इससे जैसे ही आप किसी भी एनिमी को या फिर ज़ोंबी या फिर किसी भी चीज़ को हिट करोगे, मतलब जो है क्रिएचर, उससे आपको सीधे रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये कुछ सेकंड्स के लिए ही मिलेगा, तो ज़्यादा देर के लिए है नहीं। तो इसे आप अगर मारते रहोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। तो जो तीसरे नंबर पर आती है उसका नाम है मैदास सोर्ड। तो इसका भी काम यही है कि अगर हम इससे किसी भी क्रिएचर को हिट करेंगे तो ये हमें स्ट्रेंथ देगी, और वो भी रैंडमली। तो किसी भी लिमिट में हो सकती है, चाहे वो इन्फिनिटी हो चाहे उस पर टाइम लिमिट हो। तो अब मैं इसको हिट करके दिखाता हूँ। अरे पहले हिट में बनी नहीं, सेकंड हिट। अब देखो साइड में आ गया मेरे पास स्ट्रेंथ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं है, गायब हो गई। तो अब इससे एक बार स्कोर करते हैं किल। मुझे लग नहीं रहा है इसको किल करने से इफेक्ट मिलेगा, फिर भी करके देख लेता हूँ एक बार। भागने में भी तो बहुत लग रही है, देखा नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। जो दो फिफ्थ नंबर पे आती है उसका नाम है मैग्मा क्लब। अगर इसको आप अपने हैंड में होल्ड रखोगे तो आपको ये परमानेंटली फायर रेजिस्टेंस मिलती रहेगी, और किसी को भी हिट करोगे तो उसे फायर एक्सपेक्ट 2 का डैमेज होगा। सो गाइस, यार ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक और धांसू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।